मुख्यमंत्री की विकास योजनाओं को पलीता लगा रहे विकास प्राधिकरण के अधिकारी, निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग। गोवर्धन कान्हा की नगरी गिरिराज तलहटी को विश्व पटल पर विख्यात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज तीरथ विकास परिषद के प्रस्ताव की तमाम योजनाओं को स्वीकृति दी है। ब्रज तीरथ विकास परिषद की प्रस्तावित योजनाओं पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण काम कर रहा है। इसमें गोवर्धन के पौराणिक स्थल कुसुम सरोवर के विकास कार्य शामिल हैं। कुसुम सरोवर पर अनुमानित लागत 50 लाख रुपए से कराए जा रहे पाथवे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग होने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों पर आरोप लगाए। पाथवे निर्माण कार्य की ये तस्वीरें गोवर्धन राधाकुंड परिक्रमा मार्ग स्थित पौराणिक कुसुम सरोवर की है। इस पौराणिक कुसुम सरोवर को दिव्य और सुंदर बनवाने के लिए ब्रज तीरथ विकास परिषद के अधिकारियों ने कार्य योजना तैयार की। कुसुम सरोवर को विश्व पटल पर विख्यात करने की प्रस्तावित योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकृति दे दी और अब इसके सौंदर्यीकरण का काम मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। विकास प्राधिकरण के अधिकारी इस योजना को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। पाथवे निर्माण कार्य में घटिया पत्थर और बिना सीमेंट के मिट्टी के सामान क्रशर का उपयोग हो रहा है। शुक्रवार को इस घटिया सामग्री के उपयोग को देख स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आपत्ति जताई और विभाग के जूनियर इंजीनियर को सूचना दी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्थानीय निवासी हरिओम शर्मा ने बताया कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, विकास प्राधिकरण के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं, शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। गुजरात गुजरात से आई है, किस तरीके का माहौल यहाँ ब्रज में भ्रमण के लिए आते हैं, किस तरीके का माहौल? नहीं अच्छा तो बहुत है, वो बता नहीं सकते, बस थोड़ा बहुत जो डेवलप हो रहा है बस ऐसा योगी जी और करे तो बहुत अच्छा है और यही बोलेंगे। यहाँ सरोवर पे आप आई है, यहाँ किस तरीके का माहौल? हाँ थोड़ा ऐसा रोज ऐसा लग रहा है, रो मटेरियल थोड़ा और अच्छे से करे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे और ये डेवलप हो सके, क्योंकि इतना सुंदर है, उस साफ सफाई की थोड़ी बहुत जरूरत है, तो और अच्छा हो जाएगा जो अगर थोड़ा और इस पे ध्यान दे दे तो। कैसे आए यहाँ सर, ड्यूटी है तुम्हारी यहाँ? ड्यूटी किस लिए आपके यहाँ? क्या करते हैं आप लोग यहाँ ड्यूटी के लिए बताओ ना? तो ये उसके माथे में लिखा था क्या? नहीं तो करके क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? सीढ़ी पे बैठे थे, सूचना दिया आपने किसी को? सीढ़ी पे बैठे थे। अच्छा सीढ़ी पे बैठे थे तो अब अभी तो पहले पर्यटक ने आने दे, पर्यटक आने दे, पर्यटक है क्या वो? कौन वो पर्यटक थे क्या? वो पर्यटक माथे में लिखा है, पर्यटक नहीं है, वो है नहीं, तो वो हमें बता के गए माथे में लगाया किसी को? तुम यहाँ ड्यूटी कर रहे हो इसके? हाँ नहीं बात लिखा है तुम्हारे ये मतलब जो निर्माण कार्य कुसुम सरोवर पे चल रहा है, क्या आपत्ति है इसलिए? इसमें सर आपत्ति तो ये है कि एक तो ये इसको जो सामग्री है वो घटिया किस्म लग रही है, इसमें पत्थर भी कच्चे वाला है, पहला पत्थर था बहुत बढ़िया था इसमें, अब वो पत्थर निकाल दिया, नया पत्थर लग रहा है, वो घटिया किस्म का है। दूसरी बात उसके नीचे जो लगाते हैं वो भी प्रेशर वगैरह घटिया है, बिल्कुल मिट्टी जैसा है और सीमेंट भी बढ़िया नहीं लग रहा है। फिर इसकी शिकायत किसके अधिकारी से? सर ऐसा है गेट बंद रहता है, पता नहीं पड़ता कौन अधिकारी कब आता है, ना इसको में कोई आने जाता है ना कोई जाने देता है। इसमें से मेन चीज है यहाँ एक उद्धव जी का मंदिर भी है, बहुत पुराना मंदिर है, उसका भी बंद है आना जाना, और इच्छा अनुसार ये खुलता है, इच्छा अनुसार बंद होता है, कौन तो दिन में 4 बार खुल जाए, 10 बार बंद हो जाए गेट, कोई पता नहीं कौन आता है कौन नहीं आता है। इसमें मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर हमारी कई पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं, इसकी सेवा करते हुए मैं वर्तमान में सेवायक हूँ यहाँ का। तो परिस्थिति ये है कि वो गेट बंद होने से यहाँ आवागमन कम हो गया है, हमें भी दिक्कत आती है, वो ताला लगा देते तो यहाँ तक आने में दिक्कत आती है। क्या पब्लिक को जो दर्शनार्थी आते हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है? नहीं आने दिया। हाँ क्या कहते बोलते कि अंदर नहीं जाएंगे ये अब तो आपको मंदिर के दर्शन करने नहीं आता है? बड़ी मुश्किल से किसी से गार्डों से रिक्वेस्ट करके और ये आते हैं, बहुत कम तादाद में, हमें ये नहीं आने दिया जा रहा है। तो फिर बहुत गार्ड बदतमीजी क्या, उनको जैसा सिखा दिया गया है वो वैसे करते हैं। हाँ